इस डिपार्टमेंट के लिए मुझे लगता नहीं कि कोई बदलाव आएगा। बदलाव तो तब आएगा ना जब ये राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट बदले। वो भाषण तो बहुत लंबे चौड़े देते हैं लेकिन वो चाहते नहीं कि कोई जो क्रिमिनल किसी भी वजह से क्राइम वर्ल्ड में जा चुका है वो दोबारा इसी दुनिया में इसी समाज में आए। तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। भाषण तो बहुत लंबे चौड़े हैं लेकिन आधा स्टेप नहीं उठाया जाता उनसे, तो बदलाव नहीं आएगा राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आएगा। आज हमारे साथ है अनुराग उर्फ अनुराधा चौधरी, जिसे क्राइम की दुनिया में लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है। पिछले लंबे समय से इन्हें यहाँ आसपास नहीं देखा गया, ना ही इनका कोई क्राइम में नाम आया है, क्योंकि इन्होंने फिलहाल हरियाणा में शादी करने के बाद ये हरियाणा में ही रह रही है। जठड़ी इनका ससुराल है, संदीप उर्फ काला जठड़ी से इनकी शादी हुई है। उसके बाद में इनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, कैसे इनकी लाइफ है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए कि फिलहाल जो जिंदगी बीत रही है वो कैसे बीत रही है? नॉर्मल है, थोड़ा स्ट्रगल है संदीप के केसेस वगैरह के लिए, बाकी चीजें नॉर्मल है। क्राइम को लेकर आपका बार बार नाम लिया जाता रहा है, लंबे समय से चला था, अब क्या फील हो रहा है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से कहीं किसी में कोई केस में नाम नहीं आया? नाम लेना अलग चीज है और इन्वॉल्वमेंट होना अलग चीज है। मीडिया लेती है बहुत बार नाम, बहुत बार पुलिस डिपार्टमेंट डाउट करता है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है, और नहीं है तो फिर आपको कहीं इन्वॉल्व करेंगे भी नहीं। बड़े केसेस में जैसे राजू ठेठ की हत्या हुई, उससे पहले जैसे लॉरेंस बिश्नोई का कोई बड़ा कांड हुआ, उसमें भी नाम जोड़ा जाता रहा है, उसको लेकर आपके मन में क्या फील होता है? किसने जोड़ा? मीडिया ने जोड़ा। इन्वेस्टिगेशन में कुछ आया? नहीं आया। जो चाहे, जिस भी एजेंसी चाहे, जो जांच करवानी है वो करवाई जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और हुई भी है, लेकिन निकल के क्या आया? ये सारा काम मीडिया का है और कुछ भी नहीं है। किसी ने पर्टिकुलर किसी पर्सन ने नाम लिया हो, एक्यूज ने नाम लिया हो, या ऑफिसर ने नाम लिया हो, या कहीं ये आया कि भाई इन्वॉल्वमेंट था, तो माना जाएगा कि हाँ मेरा नाम है। मीडिया का काम है ये सब चीज़ें करना, तो उसकी तरफ मैं ध्यान नहीं देती हूँ। पहले जब आप राजस्थान रहती थी तो थोड़े थोड़े दिन बाद में किसी न किसी क्राइम में आपका नाम ले लिया जाता था या आ जाता था, लेकिन अब आप हरियाणा रह रही, तो क्या फील कर रही हैं राजस्थान और हरियाणा में, दोनों में क्या फर्क महसूस कर रही है? वहाँ का स्टाफ, पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी कोऑपरेटिव है, और अगर आप इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं तो सपोर्ट करते हैं वो लोग। ये नहीं कि बिना सुने ही आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व कर देते हैं, तो ये डिफरेंस है। और यहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो आपसे बात करने से डरता है, और अगर कोई इशू है आपकी लाइफ को लेके तो आप किससे बात करेंगे? पुलिस डिपार्टमेंट से। लेकिन वो खुद डरते हैं बात करने से। अब ऐसा क्यों है ये तो पता नहीं। वहाँ के लोगों के पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ऐसा नहीं है, वो लोग बात करते हैं, समस्या क्या है वो सुनते हैं, और कोशिश करते हैं कि भाई हम दोबारा इन्वॉल्व होने की नौबत ना आए। तो ये डिफरेंस है। आप जिस तरह से आपने शादी की है, हरियाणा में आप रह रही है, तो पहले की लाइफ में अब की लाइफ में क्या डिफरेंस है? स्ट्रगल पहले भी था, अभी भी है, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं है। बस इतना फर्क है कि पहले जबरदस्ती ये लोग डाल देते थे, और वहाँ का डिपार्टमेंट आपको जबरदस्ती, आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो इन्वॉल्व नहीं करता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और दूसरा ठीक है, मेंटली पीस में है कि भाई हमने जब कुछ किया ही नहीं हो, यहाँ का डिपार्टमेंट भी जानता समझता है, तो ठीक है, जो हस्बैंड के लिए स्ट्रगल है वो हम अपना कर रहे हैं, तो इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। हमारी आपसे कई बार बात हुई, आपने बार बार एक ही बात कही कि मेरे को अनुराधा से लेडी डॉन या अनुराधा चौधरी बनाने में पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो अब पुलिस के बारे में आप अब क्या सोच है? कोई खास बदलाव आया नहीं है मेरी सोच में, एटलीस्ट राजस्थान पुलिस को लेके, क्योंकि अभी आज मेरी कुछ आमन में पेशी थी, तो उसके लिए मैंने एक ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, ताकि मैं उनसे कुछ चीज़ें शेयर कर सकूं कि मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स कर रही हूं, और मैं गार्ड्स लेके आ रही हूं, कौन से व्हीकल से आ रही हूं। लेकिन उस ऑफिसर ने मेरे एडवोकेट को बात करने से मना किया। तो अब बताइए, अगर कोई इशू है या कोई चीज़ है तो हम किससे बात करेंगे? तो इस डिपार्टमेंट के लिए मुझे लगता नहीं कि कोई बदलाव आएगा। बदलाव तो तब आएगा ना जब ये राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट बदले। वो भाषण तो बहुत लंबे चौड़े देते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं कि कोई जो क्रिमिनल किसी भी वजह से क्राइम वर्ल्ड में जा चुका है वो दोबारा इसी दुनिया में इसी समाज में आए। तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। भाषण तो बहुत लंबे चौड़े हैं लेकिन आधा स्टेप नहीं उठाया जाता उनसे, तो बदलाव नहीं आएगा राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आएगा।
जैसे आपने कहा कि पुलिस सीधी बात नहीं सुन रही है, या आपको मतलब वो तवज्जो नहीं मिल रही है, तो आप राजस्थान तक के प्लेटफॉर्म पे हमारे जरिए बताइए कि आप पुलिस से क्या मदद मांगना चाहती है और क्या नहीं मिल रही है। नहीं, मुझे तवज्जो जैसी कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस कुछ चीज़ें हैं जैसे मेरी पेशी होती है तो मुझे आना है और मुझे अपनी जान की सुरक्षा भी करनी है, तो उस रिगार्डिंग जो मैं डिटेल्स उनको दे सकूं कि मेरे साथ कौन आ रहा है, किस व्हीकल से आ रही हूँ, मेरे साथ में गनमैन है या नहीं है, है तो कौन है, तो बस वो मैं उनको शेयर करूँ। इसके अलावा वो मुझे इतनी प्रोटेक्शन दें कोर्ट में कि अगर बाई चांस कहीं अटैक या कुछ इस तरीके की चीज़ हो तो मुझे प्रोटेक्ट किया जा सके, बाकी मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। और ठीक है, देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने हिसाब से लीगली जो भी अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ कर रही हूँ। आप जिस तरह से यहाँ को छोड़कर जा चुकी है, तो यहाँ से भी अब आपका कोई कनेक्शन, वैसे क्राइम को लेकर आपका कोई कनेक्शन यहाँ से नहीं है, क्योंकि पिछले लंबे समय से हमने देखा किसी भी क्राइम में नाम जरूर है लेकिन वो साबित नहीं हो पाया, या मीडिया के जैसे कई बार नाम है, राजू ठेठ के कांड में भी नाम आया था। कुल मिलाकर अब कितने मामले ऐसे जो आपको नागौर और इसके आसपास बच गए हैं? 6-7 होंगे टोटल, ज़्यादा नहीं है। बड़ा मामला कोई है ऐसा जिसमें जैसे 302 जैसा मामला हो, या कोई अपहरण का हो, फिरौती का हो? नहीं, 302 का तो नहीं, किडनैपिंग के हैं, 4-5 मामले हैं, तो बस इतने छोटे छोटे मामले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप राजस्थान में कई दिनों बाद आइए, राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं? क्योंकि राजस्थान में जब भी चुनाव होते हैं क्रिमिनल्स का नाम भी उनके साथ, नेताओं के साथ जुड़ जाता है, और कहीं ना कहीं नेता उनका उपयोग भी करते हैं, क्या सोचती हैं आप? हाँ, ऐसा होता है और आगे भी आई थिंक होता आएगा, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मैं राजस्थान से बाहर हूँ, ना मुझे कोई लेना देना है, तो कोई किसी को भी यूज़ करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस कोई मुझे यूज़ ना करे तो मैं अपना शोल्डर कभी किसी को नहीं दूंगी। आप राजनीति में आना चाहेंगी, या राजनीति में आप आगे बढ़ना चाहेंगी, हरियाणा में या राजस्थान में कभी भविष्य में? वो फ्यूचर की बातें हैं, पता नहीं इस बारे में कुछ। चुनाव चुनाव तो आने वाले हैं, चुनाव राजस्थान में हो रहा है और अगले साल हरियाणा में। नहीं, अभी तो मेरा ऐसा कोई मन है नहीं, ना मेरे दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ है। और कुछ ऐसी कोई बात है जो आप शेयर करना चाहेंगी, जो आप सीधे तौर पे नहीं कह पा रही हैं, मीडिया के माध्यम से आप कहना चाहती हो? हाँ, राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट से कि आप किसी भी क्रिमिनल से डायरेक्ट बात करने से क्यों डरते हो, जब आप कुछ गलत ही नहीं कर रहे हो, वो क्रिमिनल नहीं, सॉरी, एक्यूज्ड, और अभी बेल आउट है और अपनी समस्या बताना चाहता है और अभी कुछ भी क्राइम नहीं कर रहा है, तो फिर अगर आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे या बात नहीं सुनेंगे तो फिर आपकी ड्यूटी क्या है? क्यों डरते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं? ये तो गलत चीज़ है। और फिर आप भाषण लंबे चौड़े देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या वाकई में राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट चाहता है कि भाई जो क्रिमिनल्स हैं वो सुधर जाएं और वापस समाज में आएं, या फिर सिर्फ भाषणों से काम चलाएंगे, या फिर आने वाले टाइम में जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं वही नेता बन जाएंगे? तो ये चीज़ गलत है। वो कहते हैं कि हमारी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी सिर्फ पकड़ के अंदर करना या ये चीज़ें नहीं है, आपकी ड्यूटी में शायद ये भी शामिल है कि आप उन लोगों को हेल्प करें जो इस दलदल में जा चुके हैं और निकलना चाहते हैं, तो या फिर आप हमेशा तब पहुंचते हैं जब कोई कोर्ट में या कहीं किसी HS को या एक्यूज्ड है उसको मार दिया जाता है या कुछ कर दिया जाता है, उससे पहले सुनते क्यों नहीं है, फिर बाद में हल्ला और ये सारी सब चीज़ें, ये तो दिखावा है, पहले कुछ कीजिए ना। तो ये गलत चीज़ है, मुझे लगता है कि उनको सुधारनी चाहिए। अगर हम सुधर रहे हैं, हम सुधार रहे हैं नहीं, सुधार चुके हैं, तो उनको भी तो थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरह से राजस्थान में पहले आनंद पाल गैंग हुआ करती थी, उसमें कई बार आपका नाम भी जुड़ा है, राजू ठेठ की गैंग हुआ करती थी, उसमें उसके खिलाफ भी आपका कई बार नाम जुड़ा है, अब फिलहाल जो है वो जैसे विश्नोई, लॉरेंस विश्नोई की गैंग है, फिर इनके बारे में क्या सोचती है? क्या कोई अभी कोई कनेक्शन बच गया है? नहीं, मेरा किसी भी गैंग से कोई कनेक्शन नहीं है और ना मैं रखना चाहूँगी, ना मुझे मतलब है इस चीज़ से, तो मेरा कोई मतलब नहीं है लोगों से। तो ये थी अनुराधा चौधरी, जो कुछ बदली बदली सी नज़र आ रही है, और जिनका पहले भी हमसे बात हुई थी, इन्होंने ये कहा था कि मैं मेन स्ट्रीम में आना चाहती हूँ और क्राइम की दुनिया को ये अलविदा कहना चाहती है। अब देखते हैं कितने दिन तक ये क्राइम से दूर रहती हैं, क्योंकि जहाँ इनकी शादी हुई है हरियाणा में, इनके पति है संदीप उर्फ काला जठड़ी, जो अभी भी तिहाड़ जेल में है,
देखना ये होगा कि कितने दिन तक ये क्राइम से दूर रहती है और अपने आप को कितना सुधार पाती हैं। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, राजस्थान तक।